डेलीगेशन के सात स्टेप्स कौन से हैं, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूं। डेलीगेशन मतलब किसके किसको काम सौंपना, उसके बारे में बातचीत करते हैं, उसके सात स्टेप्स कौन से। तो आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार से एक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहां प्रैक्टिस करता हूं। किसको जब हम काम सौंपते हैं, उससे काम करवा के लेते हैं, किसको उसकी जिम्मेदारी देते हैं, तो उसको कोई स्टेप्स है, वो यदि हम करते हैं तो काम भी अच्छा होगा, आप भी निश्चिंत रहेंगे कि वो काम करेगा, काम की क्वालिटी अच्छी होंगी और एक स्पेसिफाइड टाइम में काम पूरा होगा। तो कौन से स्टेप्स हम देखते हैं। नंबर एक, वो काम करने के लिए हमने सही व्यक्ति का चुनाव करना जरूरी है। और सही व्यक्ति मतलब जिसको वो काम में मजा है, जिसको वो काम का कौशल्य है, जिसको वो काम समझा हुआ है। नंबर दो, जब भी कभी हम सौंपते हैं उसको काम, तो उसके सामने क्लियर गोल होना चाहिए कि भाई आखिर में गोल क्या है, अचीव क्या करना है, वो क्लियर होना जरूरी है। पूरा काम जो है वो एक टीम मेंबर को या टीम लीडर को देना चाहिए। भाई उसको एक ही व्यक्ति को जवाबदारी दिया है ताकि उसको मालूम है कि मेरे ऊपर वो पूरी जवाबदारी है, मेरे पास में लोग काम करने के लिए, मगर टीम का मेंबर मैं हूँ और एक टीम मेरे पास में है, तो मैं उनसे काम करवा के लूँगा। तो एक व्यक्ति को उसकी जिम्मेवारी देना जरूरी है। कितने बजे तक टाइम पूरा होगा, मतलब कितने बजे तक वो काम पूरा किया जाएगा, वो होना जरूरी है। क्योंकि आप वो नहीं रखते हैं, काम कर लो और टाइम नहीं है तो पता नहीं कब काम होगा। तो टाइम फ्रेम बहुत जरूरी है कि इतने समय में इतना, इतने समय में इतना, इतने समय में इतना, ऐसा रिजल्ट आना बहुत ही जरूरी है। तो टाइम फ्रेम एस्टेब्लिश करो। टाइम फ्रेम एस्टेब्लिश नहीं है, काम होने की संभावना बहुत ही कम है। अथॉरिटी कितनी दी है वो व्यक्ति को, अधिकार कितने दिए हैं। तो अधिकार यदि दिए हैं तो वो काम करेगा। क्या होता है कि अधिकार नहीं है, सिर्फ जिम्मेवारी दी हुई है, तो जिम्मेवारी है और अधिकार नहीं है तो काम होगा ही नहीं, क्योंकि अधिकार ही नहीं है तो काम कैसे करेगा। बोलता है कि मुझे जिम्मेदारी दी है मगर मैं किसको हाँ नहीं बोल सकता हूँ, ना नहीं बोल सकता हूँ, किसको निकाल नहीं सकता, किसको रख नहीं सकता, मेरे हाथ बांध कर रखे हुए और मुझे अधिकार दिया ऐसा बोलते हैं तो वो अधिकार नहीं होते हैं। जिम्मेदारी देना, हाथ बांध कर रखना, वो भी अधिकार नहीं है। अधिकार पूरे दिए हुए 100% अकाउंटेबिलिटी, वो महत्व का है। फिर जब आप डेलीगेट करते हो तो बीच बीच में आके जो माइलस्टोन्स है कि एक दिन के बाद में कितना काम होना चाहिए, चार दिन के बाद में कितना होना चाहिए, पाँच दिन के बाद में कितना होना चाहिए, वो उसका फ्रीक्वेंट रिव्यू लेना जरूरी है, फीडबैक लेना बहुत ही जरूरी है। नहीं तो एंड टाइम पे लास्ट मोमेंट वो व्यक्ति आएगा और बोलेगा ये काम नहीं हुआ, और फिर आपको बैठना पड़ेगा हाथ धो के। तो एंड टाइम पे एकदम फाइनल कि नहीं हुआ ऐसा बोलने के बदले अपने को पहले मालूम पड़ जाएगा कि इससे काम नहीं हो रहा है। तो पीरियोडिक रिव्यूज लेना बहुत ही जरूरी है। काम होने के बाद में उसको प्रॉपर क्रेडिट दो, व्यक्ति की प्रशंसा करो, उसको शाबाशी दो, उसको इंसेंटिव दो, इंसेंटिव दो, सबके सामने उसको बोलो कि भाई तुमने अच्छा काम किया है, आप प्रगति कर रहे हैं वगैरह वगैरह। उसकी कोई गलती होंगी तो गलती प्राइवेट में बुला के फिर जो जो गलतियाँ हैं वो उसको बोलने का है कि वो गलती है और वहाँ आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वो फीडबैक जो है वो निगेटिव फीडबैक कमरे में, पॉजिटिव फीडबैक बाहर, क्रेडिट जो है वो सबके सामने, डिसक्रेडिट जो है वो कमरे के अंदर। यदि आप ऐसा करते हैं और डेलीगेट करते हैं तो बहुत बड़ा काम खड़ा हो जाएगा, आपके पास में लीडर बहुत तैयार हो जाएंगे, जिनको मालूम है कि नहीं मैं काम कर रहा हूँ, मेरे ऊपर जिम्मेदारी दी है, मेरे को करने का है। तो वो आदमी फिर बहुत दिमाग लगा के मन से काम करता है और आपके एंटरप्राइज को बहुत आगे लेके जा सकता है। तो ये इस तरह के सात स्टेप्स है ये फीडबैक के, मैं फिर से दोहराता हूँ। नंबर एक, सिलेक्ट द राइट पर्सन, सही आदमी का चुनाव करें। नंबर दो, गोल पक्का करें। नंबर तीन, एक व्यक्ति को पूरा काम देने का है। नंबर चार, टाइम फ्रेम एस्टेब्लिश करने की, कितने समय में काम होगा। नंबर पाँच, उसको अधिकार कितने दिए हैं उसको बताने का है। नंबर छः, बीच बीच में उसका फीडबैक लेना है। सात, उसकी आखिर में प्रशंसा करनी है, उसको रिकॉग्नाइज करना है, उसके उसकी पहचान देना है लोगों को कि वो क्या कर सकता है। तो ये आप करते हैं तो डेफिनेटली आपका काम बहुत हल्का हो जाएगा, आपके पास में अच्छे लोग रहेंगे, आपके पास में लीडर्स तैयार हो जाएंगे और एक बड़ी कंपनी का निर्माण आप कर सकोगे। थैंक यू वेरी मच।